हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, शेयर मार्केट एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। बात करेंगे अभी यस बैंक लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल है कि NPA जीरो इसी हफ्ते, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो चैनल पे आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूज़ पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं आज के डेट में क्या हुआ। देखिए आज के डेट में यस बैंक लिमिटेड देखिए 13.90 रुपये पर क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज 14.25 रुपये का था। ओपन हुआ देखिए 14.30 रुपये पर, हाई बनाया 14.55 रुपये का, लो बनाया 13.45 रुपये का। तो देखिए 16,45,247 क्वांटिटी सेल हुई है और जो है 13.95 का सेलिंग प्राइस है। डिलीवरी परसेंटेज देखिए 34% के अराउंड डिलीवरी है। 16 लाख जो है क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 16 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 5 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी हुई है। तो ये चीज़ है देखिए, 52 वीक हाई 18 रुपये और 52 वीक लो 10 रुपये और अभी 14 रुपये के पास चल रहा है। अब दोस्तों उस न्यूज़ के पास आते हैं जिसके बारे में हम जो है वीडियो बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले सीधा चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ARC वाली न्यूज थी, 12 लोग जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए थे बहुत पहले। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों को लगेगा कि न्यूज़ पुरानी है, तो मैं न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा। देखिए 12 लोग जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए थे लगभग 2-3 महीने पहले। तो उसमें देखिए 22 अक्टूबर को MD ने बोला हुआ था कि हम 60 दिन के अंदर चीज़ें कंप्लीट करें। ध्यान से सुनिएगा, अगला 1-2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो 22 अक्टूबर को जब यस बैंक का क्वार्टर रिजल्ट आया था दोस्तों, तो अपने MD एंड CEO ने बोला हुआ था कि हम 60 दिन के अंदर पूरा ARC का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों 60 दिन तो देखिए 22 अक्टूबर से 22 नवंबर, 22 नवंबर से 22 दिसंबर 60 दिन हो गया। तो जनरली 22 दिसंबर तक आ जाना चाहिए था ARC, लेकिन आप बोलेंगे कि 22 दिसंबर तक तो आया नहीं, तो आज है 6 जनवरी, आज है लगभग 9 जनवरी। तो दोस्तों 22 जनवरी की देखिए, आपको मालूम होगा कि इसमें, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। देखिए वर्धे कैपिटल, JC फ्लावर और बेन कैपिटल, तो ये बड़े बड़े जो है अमेरिका के या फॉरेन के जो है UK और लंदन के और अमेरिका के इन्वेस्टर हैं। ये देखिए दोस्तों, जब साल का एंड होता है तो ये लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, तो थोड़ा सा इनका हॉलीडे सीजन होता है, तो उस वजह से इनका जो है फाइनल नहीं हो पाया और डील लगभग लगभग अंतिम चरण में है। अब देखिए 4-5 जनवरी हो चुका है, अब 10 जनवरी होने जा रहा है, लोग वापस लौट रहे हैं, तो अब कभी भी जो है डील जो है फाइनल होने के कगार पे कभी भी फैसला आ सकता है इसी वीक, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले वीक में जो है क्यों नहीं आया दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो घर जा चुके थे, हॉलीडे सीजन में सेलिब्रेट कर रहे थे। टुडे इज द 9th जनवरी एंड नाउ दे हैव केम अगेन एंड फॉर द ऑफिस आफ्टर द सेलिब्रेटिंग देयर हॉलीडे। सो अब फिर से जो है वो एक डील फाइनल होने के कगार पे फाइनल हो सकती है। तो अब आपको समझ में आया कि ये डील जो है लगभग लगभग फाइनल होने के कगार पे, अब यहाँ पे फिर से फैसला आ सकता है। तो इस वजह से जैसे ही निवरा आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के बताया हुआ दोस्तों कि ये जो है बुक वैल्यू अभी 14 रुपये 18 रुपये बुक वैल्यू हो जाएगी ऑन स्पॉट बेसिस पे, और शेयर मिनिमम जो है अपने बुक वैल्यू के 1.5 गुना पे ट्रेड करेगा। मतलब 18 रुपये का 1.5 गुना कितना होता है दोस्तों, 18 का 1.5 गुना 27 रुपये होता है। तो 26-27 रुपये पर ट्रेड करेगा, वही अपना टारगेट ऑन स्पॉट बेसिस। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अगर आप जो है थोड़ा लॉजिकल जानते हैं और चीज़ें समझते हैं तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।